कुछ बातें हुई थी तो शायद कुछ हजरात बयान को समझ नहीं पाए या कन्फ्यूज हैं उस पर, चाहता हूँ उसकी तशरीह कर दूँ थोड़ी। अर्ज ये किया था कि इंसान जिस वक्त सोने जाता है तो जाहिर तौर पर जिस तरह चाहता है कि पाक साफ जाए और हल्का अपने बेड में जाए, तो इसी तरीके से जो बातन की गुना सारे दिन के अंदर इंसान के जमा होते हैं तो पूरा बेज बोझ होता है इंसान अंदर का, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि अल्लाह का जिक्र कर लिया जाए थोड़ी देर। तो उसका तरीका बताया था कि जैसे जब सोने का प्रोग्राम बने जिस वक्त भी, तो जाने से कबल अपने लतीफ़ा कल पर अल्लाह का जिक्र कर लें। तो जिनके ज़्यादा असबाक दिए गए हैं, मतलब किसी के दो हैं, किसी के तीन हैं, किसी के चार हैं, किसी के पांच हैं, तो उसके मुताबिक कर लें। लेकिन ये मैंने नहीं कहा था कि हर आदमी पांचों लताइफ पर करे, वो तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितना इसका सबक होगा उतना ही करेगा। तो सिर्फ वो ये है कि अगर लतीफ़ा कल्ब पर आपको इजाज़त है तो लतीफ़ा कल्ब पर बैठ गए, हसफ तौफीक जितना भी आदमी कर सकता है। मालूम तो यह है कि पांचों लताइफ पे 120 तस्वीर दी जाती है, लतीफ़ा कल्ब है आपके पास तो उस पर बैठ कर जितना भी चाहे जिक्र कर लें थोड़ी देर। इसी तरह ख्वातीन के लिए था कि वो तो जितनी भी ख्वातीन हैं उनको लतीफ़ा कल्ब पे जिक्र दिया गया है, तो वो लतीफ़ा कल्ब पर बैठ कर अपने अल्लाह को याद करें थोड़ी देर। अगर तस्वीर ना भी हो सके तो मुराकबा कर लें, अगर तस्वीर नहीं करनी तो मुराकबा कर लें बैठ के 5-10 मिनट। तो अल्लाह का नाम तो ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दफ़ा कहेंगे तो अंदर पाक हो जाएगा सारा। तो ऐसी बस है कि थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दिल करते आदमी कुछ ज़्यादा करे कुछ ज़्यादा करे। तो इतना अर्ज़ किया था मैंने, शायद लोग गलत मैं नहीं समझा सका, लोगों तो सही समझा होगा। तो किसी को ऐसी बात नहीं थी कि मैंने कहा हर आदमी 5 टाइप पे बैठे और जिक्र करे और ये कोई कहते हैं इजाज़त मिल गई है बस, ये कुछ ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो उस वक्त मिलते हैं वो इजाज़त से नहीं मिलते, वो तो बिल्कुल मुसाफा सामने बिठा कर सबक दिया जाता है आदमी को, ऐसा नहीं होता ना। चूसन से जिस क्लब पे जिस लतीफ़े पे जिक्र दिया जाएगा वही लतीफ़ा काम करता है, वही जगह काम करती है। तो जिन जिन हजरात को जिस जिस मुकाम पर जिक्र दिया गया है जाने से पहले थोड़ी देर अल्हम्दुलिल्लाह सोने से कबल इसको करेंगे, इसके फायदे देखेंगे आप, फिर आपको बेइंतहा फायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अलैहि वसहबिहि अजमईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, वसल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسلمنا وصلنا وشدنا خطونا الحمد لله كل صالح عند الله. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما سرت وما انتهينا به انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا
وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.